पैसे में जो सब चीजें लग सकती क्या क्या है बताऊंगी उनके में क्या क्या लिस्ट दो उनको तुम उनके में क्या क्या तुम है क्या क्या करना उनको क्या क्या करना उनको दो तुम लिस्ट दो तो हम बात करें तुमसे देख रहा हूँ कि जब लाभार्थियों का आवंटन हो जाएगा तो और काम करा देंगे जो बचा हुआ है। ये सब तुम्हारा ये सब अभी से ये सब पूरा टूट टाट गया है ये सब डूडो का आवंटन करना था ये सब तुमने पुताई कुछ की नहीं है डूडा अंदर मान लो कर भी ले ये सब क्या किया है ये सब ये कब पोतोगे कहाँ किया है तुमने बताओ ये मैं अभी और तुम्हारे ये जंगले जंग लगे हुए हैं खुलेंगे खोल के दिखाओ हमको जंगला जंग लग ₹250 मकान मैंने ये तो तुम कह रहे हो ये जो जिसमें तुम कह रहे हो कि ये पूरी है उसका ये दशा है जिसमें पूरी नहीं है उसकी क्या दशा है तुम सोच रहे हो ठीक है चिट्ठी भेज दीजिए मैं आपको नीलम से मैडम चाहता हूँ राजीव उधर चलिए उस वाली बिल्डिंग में जरा जाइए अब बताओ इसकी स्थिति तुम ये जो भुतिया तुम बनाए हो इसको कौन जा रहेगा ये तुम्हारा प्लास्टर तक तो है नहीं जमीन में फर्श तक तो बना नहीं है तुम्हारा बताओ तुम्हें ये इसमें तुम्हारा ये बाहर आओ जी मैम ये तुम कह रहे हो हमने पूरा बना लिया है कहीं बताओ आप लोग टीम में हो बताओ कौन है टेक्निकल टीम से जी साहब दोनों ये सब दोनों बताओ भाई आप लोग तो हमारे साथ हो हम नहीं बहुत बहुत कुछ काम बाकी है ये देखो प्लास्टर नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है नीचे पूरा नहीं हुआ है पूरा फिनिशिंग हमें ऐसा लग रहा है कि मस्तबल में खड़े हैं ना कि किसी के घर में बुरा मानो है सही मानो मैम खराब तो है खराब नहीं है कुछ है ही नहीं किस आधार पर तुम्हारी बिल्डिंग हम ले ले किस आधार पर ये बाथरूम में हमें कुछ भी कम्प्लीट नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे तो तुम्हारा जंगला तक नहीं लगा है कहाँ लगा जंगला बताओ तुम लोग कह रहे हो जंगले उखाड़ लिए यहाँ कहाँ लगा जंगला बताओ कहाँ लगा जंगला तुम्हारा प्लास्टर तक नहीं अनु राजीव भाई इसकी फोटो तो जरा लो अलग से ना तो तुम्हारा प्लास्टर है ये तो हमें लग रहा है अभी हाथ लगाते ईटा ही गिर जाएगा क्यों लटका है ना सपोर्ट के लिए बताओ अभी हम इसमें हमें लग रहा हाथ निकल जाएगी ये बाल भरी पूरी की पूरी एक किनारे से देखो क्या है भाई बताओ जूते की नोक से गिर रहा है वो तो छोड़ ही दीजिए कुछ आई नहीं पूरी दीवार हर तरफ की दीवार में यही कहानी है देखिए अच्छी स्ट्रेंथ का नहीं मैटर देखो नीचे ही नहीं है ऊपर भी सब तरफ की कहानी है ये बताओ जी साहब भाई साहब अभी आप कह रहे थे मसाले में जो ये खिड़कियां खुल नहीं रही है जिम साहब जंग कहां से हम इसमें खुलने लायक गुंजाइश ही नहीं है जंग खा गई और इतना मसाला लगा हुआ है भाई अच्छा यहाँ ये टूटने का क्या मतलब है यही बताएं यहाँ तो कोई आपका कोई कब्जा या उस तरह की भी कोई चीज नहीं है बताओ उधर तो आपने तो हमने लगाया इसलिए टूट गया यहाँ क्यों टूट गया यहाँ तो आपने लगाया भी नहीं इसको ये हम विंडो दरवाजे दोनों ही लगाए हैं बाद में और सही से नहीं फिनिश हुआ इसलिए टूट टूट के गिर रहे हैं सब जितने आप भाई आप लोग क्या देखते हो फिर ऐसा है किसी को सेफ साइड देने का मतलब होता है कि यू आर ऑल्सो नहीं नहीं कमी तो है हम सेफ नहीं है कमी तो है मैम नहीं कमी तो है कमी तो दिख रही लगाए थे उसके बाद दे दिए होंगे कि नहीं और काम करा देंगे ये लोहा क्यों जंग लग गई सब में प्राइमर हुआ नहीं प्राइमर मतलब पेंट फाइनल हुआ है ये तो एक तरह से सब बेकार है तो दोबारा लगेंगे कि क्या होगा लगेंगे दोबारा ये तोड़ के प्राइमर लगा छूट गए होंगे दो साल फिर भी मैम जंग लग गया अगर पेंट होती तभी बचते ये साथ के साथ प्राइमर अब क्या तरीका है तरीका ये नहीं खराब है टूट के लगेंगे दोबारा
इनमें जंग लग चुका है। आप लोग अपने टेक्निकल ये भी मैं बाद में छोड़ रखे हैं। तो जब आप सब बाद के लिए छोड़ रखे हैं तो आप पूरा करोगे तब तो हम किसी को कहेंगे या अनुरोध करेंगे आओ तुम ले लो। ये क्या स्थिति है देख लो ना तुम, ये सब क्या छोड़ कर रहे हो भाई, कितना चिल्लाए हैं। मैम करवाने पड़ेंगे काम तभी, कराने नहीं पड़ेंगे कुछ भी नहीं है। आपका ये फिनिशिंग कहाँ है भैया, तुम देखो तुम लोग इसी डिपार्टमेंट के हो, ये क्या फिनिशिंग नहीं है, किसी लेबर क्लास को भी मकान रहने लायक तुम बना के दें, ये सब तुम्हारे ठेकेदार ने ये सब ये क्या चुनाई पुनाई करके सब छोड़ दिया, ये क्या है ये सब। तो कैसे फिर हमसे आते ही आप ये डायलॉग फेंक रहे हो कि हमने ईओ को देना चाहा 20 में उन्होंने लिया नहीं क्योंकि लाभार्थी नहीं थे, ये फेक डायलॉग क्यों बोला आपने। नहीं मैम दरअसल अगर हुए होते तो हो सकता आपके इसी डायलॉग पे सस्पेंशन हो सकता अगर रिपोर्ट चली जाए लखनऊ आपकी। मैम जो भेजा गया था ऑफिस से वही मैम बता रही हूं। नहीं ऑफिस से किस आधार पे भेजा गया था, जिसने भेजा था हम तो उस पे कार्रवाई के लिए लिख करके भेज देंगे, तुम्हारी इस बिल्डिंग को कौन ले लेगा हैंडओवर भाई, हमको इतना बता दो। अधूरे तो थे ही काम उस समय, भेज तो दिया ही नहीं। ये कंडीशन में कौन लेगा हमको ये बता दो। जी मैम कह रहे हैं अधूरे हैं मैम। तो फिर क्यों कह रहे हो कि 2020 में हमने ईओ को दिया लाभार्थी नहीं थे इसलिए आवंटन नहीं हुआ, कंडम पड़े हैं तुम्हारा पूरा नहीं तो लाभार्थी कहां से आ जाएगा। ऊपर चलिए किस जगह का आप लोगों ने आपने विजिट किया और क्या वहाँ की स्थिति थी और क्या पूरे मामले में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जनपद हरदोई में जिलाधिकारी महोदय द्वारा जितनी भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उनका भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है, जिसमें तकनीकी टीम में मेरे साथ जो टेक्निकल स्टाफ लगा था उनके साथ मेरे द्वारा संडीला तहसील में जाकर के ISHDP के 252 मकानों का निर्माणाधीन मकान है उनका निरीक्षण किया गया था। तो पाया गया कि वहाँ पर काफ़ी दिक्कत है और भवनों का अभी निर्माण पूर्ण भी नहीं हुआ है और जितना भी सरिया वगैरह लगा उसमें रस्टिंग हो गई है और उसमें एक सघन जांच की आवश्यकता है। कब कितनी इसकी कीमत वगैरह थी और कब इसका जो है निर्माण शुरू किया गया था और अब तक क्यों जो है ये हैंडओवर नहीं हुए हैं। ये इसकी स्वीकृत जो लागत थी वो 1023 लाख रुपए थी और इसका 2 साल पहले इसका निर्माण लगभग पूरा हो चुका था, उसके बाद इसको अधूरा छोड़ दिया गया जिसकी वजह से रस्टिंग वगैरह हुई है। पूरे मामले में फर्दर पूरे मामले में कार्रवाई की क्या जो है जिलाधिकारी महोदय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी जा रही है, उसके उपरांत ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर निर्णय लिया।